धर्म स्नेही बंधुओं, जलते भिन्न कमल है। कमल का भोजन कहाँ से मिलता है? जल से। जल में तो रहता है, कमल कीचड़ में भी रहते हैं। तो जो कीचड़ वाला कमल है वो भोजन कहाँ से लेता है? कहाँ से लेता है? कीचड़ से, है ना? अच्छा, उसका जन्म कहाँ हुआ है? कीचड़ में। रहता कहाँ है? कीचड़ से ऊपर रहता है। कीचड़ में रहकर भी भोजन वहाँ से लेता है, जन्म वहाँ हुआ है, लेकिन वो कीचड़ से ऊपर रहता है, कीचड़ में लिप्त नहीं रहता है, कीचड़ को टच नहीं करता है, कीचड़ में घुसा नहीं रहता है, वो कीचड़ से ऊपर रहता है। कौन? कमल। एक मच्छर है, वो कहाँ बैठेगा, कमल पर या कीचड़ में? जन्म कहाँ हुआ? कीचड़ में नहीं हुआ, अलग हुआ है। और बैठेगा कहाँ? कीचड़ में। यानी जहाँ जन्म हुआ है वहाँ लिप्त मत रहो। संसार क्या है? मोह और माया का कीचड़ है। मोह और माया का कीचड़ है। जन्म कहाँ हुआ है? बिना मोह के जन्म हो नहीं सकता। जन्म लेने के लिए मोह की जरूरत है, लेकिन जन्म लेकर मोह में पड़े रहें ये कोई जरूरी नहीं है। जन्म लेकर मोह में पड़े रहें, फिर तो कीचड़ में ही जन्म लिया, कीचड़ में ही घुसे रहे और कीचड़ में ही मर गए। जन्म लिया कीचड़ में, यानी घर में जन्म लिया, और जलते भिन्न कमल है, और उस कमल जैसे उस कीचड़ से ऊपर उठ गए, तो ये हमारा पुरुषार्थ है। मैंने बताया था एक बार कमल से किसी ने कहा, भाई तू कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, और कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है, तो यहाँ क्यों रहता है? कहीं अच्छी जगह रहना चाहिए, तेरा स्थान ये कीचड़ थोड़ी है। तो उसने उत्तर दिया कि जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैंने कीचड़ में जन्म लिया, लेकिन पुरुषार्थ मेरे हाथ में है, इसलिए मैं कीचड़ से ऊपर उठ गया। गे ही पे ग्रह मैं न रचे ज्यों, जलते भिन्न कमल है। घर में रहकर कैसे रहना चाहिए? अभी एक बहन जी आई थी सुबह सुबह, बोले माता जी इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, कि जब गुस्सा आता है तो फिर कुछ नहीं दिखता है, फिर तो जो मुंह में आता है वो बोलती हूँ और उतना ही चिल्लाती हूँ, और चिल्लाने के बाद मंदिर भी जाऊँ तो मन शांत नहीं रहता है, वहाँ भी वही सब घूमता रहता है, सोऊँ तो भी वही घूमता रहता है। माता जी मैंने बड़े बड़े संतों से आशीर्वाद ले लिया, लेकिन मेरा क्रोध कम नहीं हुआ। तो क्रोध का कारण क्या है? भाई एक व्यक्ति था, बेटे के साथ चल रहा था, बेटा पीछे चल रहा था, पिताजी आगे आगे चल रहे थे। पिताजी आगे आगे चल रहे थे, रास्ते में चलते चलते पिताजी का रुमाल कब गिर गया पता ही नहीं चला। अब पता नहीं चला तो पिता ने कहा, बेटा मेरा रुमाल कहाँ गिरा? बोले मुझे क्या पता, बोले तू ही तो पीछे चल रहा था। बोले मैं अकेले थोड़ी चल रहा था, बहुत से लोग चल रहे थे। बोले तू मेरा बेटा है, तुझे ध्यान रखना चाहिए था, और लोग थोड़ी मेरे बेटे हैं। किस पे क्रोध आ रहा है? बेटे पर क्यों आ रहा, औरों पर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मोह है। क्रोध का कारण कौन है, बेटा या मोह? मोह है। जिससे जितना मोह करते हो उस पर उतना ज्यादा गुस्सा आता है,
और जिससे कम मोह करते हो उतना कम आएगा, और जिससे मोह नहीं करोगे तो गुस्सा आएगा ही नहीं। लेकिन गुस्सा करने वाले तो किसी पर भी कर लेते हैं, बस मन में विचार आना चाहिए ये हवा बहुत चल रही है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देखो कितनी ठंड लग रही है हमें, लो गुस्से हवा पे गुस्सा कर लिया। ये बारिश तो रुकी नहीं रही है, ये एक तो ठंड पड़ रही है ऊपर से बारिश हो रही है, सूरज भी नहीं निकल रहा है, लो ठंड पे बारिश पे गुस्सा कर लिया। अरे इतने मच्छर हो रहे हैं, ये मच्छर भी दिन भर काटते हैं, बहुत परेशान करते, लो मच्छर पे गुस्सा कर लिया, मक्खी पे गुस्सा कर लिया। गुस्सा करने का भाव होना चाहिए, फिर तो तुम्हें सामने वाला मोह हो और ना हो तुम कर लोगे। लेकिन समझदार होगा तो गुस्सा करना है या नहीं करना है पहले इस बात पर विचार करेगा। विचार करने के बाद यदि उचित होगा तो करेगा। तीन तरह के क्रोध होते हैं, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। जो सात्विक क्रोध होता है वो दूसरों को सुधारने के लिए होता है। क्या भाई, एक आचार्य हैं, एक गुरु हैं, यदि शिष्य पर क्रोध करेंगे तो किस लिए करेंगे, सुधारने के लिए। एक माता पिता यदि अपने बच्चों पर क्रोध करेंगे तो किस लिए करेंगे, सुधारने के लिए। तो जो दूसरों को सुधारने वाला, भला चाहने वाला क्रोध है उसे सात्विक कहा है। दूसरा है तामसिक, बस झगड़ने का मन है, सामने वाले को परेशान करने का मन है, दुखी करने का मन है, ना खुद शांति से बैठता है ना दूसरों को शांति से बैठने देता है, बस लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा, बस यही कलेश की भावना रहती है, यह है तामसिक क्रोध। और तीसरा है राजसिक क्रोध। जब 10 जने खड़े हों, 10 जने जब यहाँ पर बैठे हों, खड़े हों या भीड़ लगी हो, और उस समय यदि किसी ने गलत काम कर दिया तो फिर देखो क्या गुस्सा दिखाते हैं, वो गुस्सा दिखा रहे, देखो मैं इस पे गुस्सा कर सकता हूँ। राजसिक क्रोध अपना अभिमान बढ़ाने के लिए, अपना अभिमान दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए जो क्रोध किया जाता है उसको कहते हैं राजसिक क्रोध। राजसिक यानी राजा वाला, ये कम राजा है ना। अब राजा की अपेक्षा कोई भी हो सकता है, घर में जब भाई सब लोग हों तब पति पत्नी को डांटे तो बड़ा, मैं बड़ा हूँ देखो मेरी सुन लेती है, मेरे सामने जुबान नहीं हिला सकती है, राजसिक क्रोध है। चाहे पड़ोस के लिए हो चाहे किसी और बात के लिए हो, ये राजसिक क्रोध है। तो सात्विक तो फिर भी समझ में आता, जो ज्ञानी होते हैं जो समझदार होते हैं वो सात्विक में ही काम निपटा देते हैं, वे तामसिक और राजसिक में नहीं पहुँचते हैं। लेकिन जिनका अभिमान होता है, कषायें ज़्यादा होती हैं, वे तामसिक और राजसिक क्रोध भी करते हैं। और तीनों क्रोध का कारण मोह है। क्या, तीनों क्रोध का कारण मोह है। यदि वस्तु पर मोह ना हो, व्यक्ति पर मोह ना हो, तो क्रोध आने वाला नहीं है। अब एक नाव वाला नाव चला रहा है और नाव एकदम हवा चली, तेज हवा चली तो नाव एकदम डगमगा गई, एकदम बस लगे डूबने वाली है, लेकिन फिर भी वो संभल गया, बच गया डूबने से। अच्छा, हवा नहीं चल रही है, एक नाव बाजू से निकली और उस नाव ने दूसरी नाव को टक्कर मार दिया, वो हिल गई और एकदम बिल्कुल गिरने वाली थी। अब बताओ गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोलिए ना, क्यों आएगा, पहले हवा चल रही थी तब तो गुस्सा नहीं आया, हवा पे जोर नहीं था। इसका मतलब जिस पर जोर रहता है उस पर क्रोध किया जाता है। कहते हैं ना, जंगल का सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। जो सीधा मनुष्य होता है उस पर गुस्सा करना बड़ा सरल होता है। घर में जो संतान सीधी होती है, माँ भी अपना गुस्सा उसी पे उतारती है, उस पर ही ज़्यादा गुस्सा करती है। और जो टेढ़ा होता है, जवाब देता है, चिल्लाता है, अब कौन बोले इससे,
अभी एक बोलेंगे तो चार सुनाएगा। और बहू में भी ऐसी होती जो बहू, अच्छा प्रैक्टिकल है क्या है, जो बहू सीधी होती है उस पे सास का जोर चल जाता है ना, और जिस पे नहीं चल पाता है, अब नहीं तो नहीं, फिर तो खुद पीना पड़ता है, या तो सामने वाले पे डाल दो या खुद पे उतार लो, दोनों में से एक काम तो करने ही पड़ेंगे। क्रोध आया है तो बरसेगा तो सही, चाहे दूसरों पे बरसा दो और चाहे खुद पे बरसा लो। तो क्रोध का कारण मोह है, मान का कारण मोह है, माया और लोभ का कारण भी मोह है। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये सब मोह हैं, और ये सब मोह कारण हैं, और ये सब भी मोह हैं। ये मोह के भेद हैं जो मैंने बताए हैं। मोह हैं तो ये हैं, और ये हैं तो मोह हैं। तो क्या चर्चा चल रही, गेही पे ग्रह में न रचे ज्यो जलते भिन्न कमल है। जलते भिन्न, घर में ऐसे रहना जैसे जल में कमल रहता है, और यदि चिपक गए तो फिर करंट तो आएगा ही आएगा, चिपकने से करंट तो आएगा ही आएगा। भाई तुम कनेक्शन जोड़ो और करंट ना आए, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, हैं? उस वाले जो तुम्हारे घर में बिजली है उसमें भी करंट आ रहा है, लेकिन उसमें तो बटन है, जब चाहिए होता है तो ले लेते हो, जब नहीं चाहिए तो बटन बंद कर देते हो। लेकिन जिससे मोह का कनेक्शन जोड़ा है, तुमने बीच में बटन भी तो नहीं लगाई कि जब चाहिए होगा तो चालू कर लेंगे और जब नहीं चाहिए होगा तो नहीं करेंगे, उसमें बटन भी तो नहीं लगाई। वो तो डायरेक्ट कनेक्शन है, बस जैसे ही वहाँ से एक्शन आया हमारा रिएक्शन हो जाता है। हम यदि ये बटन लगा लें तो बहुत सुविधा हो जाए, सामने वाले का एक्शन आया, अब विचार करो इसका जवाब देना है कि नहीं देना है, अब इसका जवाब मुस्कुरा के देना है कि इसका जवाब बोल कर देना है, कि इसका जवाब हाथ के इशारे से देना है, कि इसका जवाब किससे देना है। बटन लगी हो तो पहले सोचेगा, फिर चालू करेगा, फिर बटन चालू करेगा और फिर वह रिएक्शन जाएगा। लेकिन यहाँ बीच में बटन भी तो नहीं लगी है, बस एक्शन और रिएक्शन, एक्शन पूरा भी नहीं हो पाता है कि रिएक्शन पहले हो जाता है, और एक्शन हो ना हो हमारा रिएक्शन तो चलता ही रहता है। सामने वाला कुछ काम कर रहा है, वो हमसे पूछे ना पूछे हम शुरू हो जाते हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, अरे तुम चुप रहो, हमें जैसे करना हुआ कर लेंगे। थोड़ी देर बुरा सा लगा, फिर चुप हो गए, फिर भूल गए, फिर शुरू हो गए, अरे कहा था ना ऐसे नहीं ऐसे करना, मैंने भी तो कहा था तुम चुप रहो मैं अपने आप कर लूँगा। लो ऐसे धीरे धीरे करके ये छोटे छोटे कारण लड़ाई के कारण बन जाते हैं और झगड़े के कारण बन जाते हैं। इसीलिए कहा है यदि शांति चाहिए, वास्तव में सुख चाहिए, तो जलते भिन्न कमल है। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण उत्कृष्ट रूप से आता है। भरत चक्रवर्ती जानते हो ना, भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती हैं? कौन थे? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती का मतलब समझते हो? चक्र जिनके पास में था, चक्र जिसके हाथ में होता है वो छह खंड का अधिपति होता है, छह खंड का राजा होता है, छह खंड का मालिक होता है। इतनी बड़ी दुनिया का मालिक बनने के बाद में वो घर में रहकर वैरागी थे, घर में रह कर के भी वो घर में नहीं रहते थे। इसीलिए जब उन्होंने दीक्षा ली तो दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने कपड़े उतारे, ध्यान लगाया, अंतर मुहूर्त में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भगवान आदिनाथ को कितना समय लगा था? 1000 वर्ष। किस चीज में?
तपस्या इतनी करी कि 1000 वर्ष में 4 घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। बाहुबली भगवान को कितना समय लगा था? 1 वर्ष में लगातार बिना आहार लिए, बिना हिले, एक ही जगह 1 वर्ष तक ध्यान करते रहे, तब जाके उन्हें केवल ज्ञान हुआ। और भरत चक्रवर्ती 6 खंड के राजा, इतना भोग भोगने के बाद भी क्या, कपड़े उतारे, ध्यान लगाया और केवल ज्ञान हो गया। तो संसार की वस्तुएं हमसे नहीं कहती कि तुम हमसे मोह करो, हमसे प्रेम करो। कभी किसी सोने के हार ने अपनी मालकिन से कहा है, तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, मुझे प्रेम किया करो? बोलिए, कहा है क्या? नहीं कहा है। किसी गाड़ी ने तुमसे कहा है कि तुम हमसे प्रेम नहीं करते हो? अरे बोलिए ना, कहा है? नहीं। और तुमसे कोई जैजनेन्द्र ना करे, तुम करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे। एक बार करोगे, दो बार करोगे, यदि रिएक्शन ना आए तो नहीं करोगे। कितने बार करें? हम करें क्या हैं? हम ही हम फोन करें क्या? उसका भी तो आना चाहिए, हम अकेले थोड़ी करेंगे। 2 बार हमने कर लिया, अब एक बार वो करेगी तब हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। अरे बोलिए ना, ऐसा करते कि नहीं करते? मतलब ये प्रेम एक तरफा नहीं, बोलिए, दो तरफा होता है। और सोने से प्रेम कौन सा होता है, एक तरफा या दो तरफा? एक तरफा। गाड़ी से प्रेम एक तरफा है कि दो तरफा? मकान से प्रेम दो तरफा है कि एक तरफा? एक तरफा। नोटों से प्रेम एक तरफा है कि दो तरफा? अच्छा, जब तुम सुंदर कपड़े पहनते हो तो कभी कपड़ों ने तारीफ़ करी कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो? नहीं, तुमने तारीफ करी कपड़ों की। किसने करी तारीफ? हाँ, ये साड़ी बहुत सुंदर लग रही, ये सूट बहुत जचेगा मेरे ऊपर। कभी सूट ने कहा कि मुझे पहन, मैं जचूंगा तेरे ऊपर? नहीं कहा। और तुम्हारा प्रेम फिर भी उन पे बरसता रहता है, हैं? यानी तुम्हारा जो जड़ से प्रेम है, वस्तुओं से प्रेम है, ये एक तरफा है। और तुम बड़े जोर से, बड़े एक्शन में कहते, हम एक तरफा प्रेम नहीं करते, हम तो दो तरफा करते हैं। वो जज ने नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। अब करो ना एक तरफा प्रेम, सोने से करो। वो नहीं करता है तो मैं भी नहीं करूँगा। अभी सोने की चैन कोई छीन के ले जाए, बताइए कौन रोएगा? वो चैन रोएगी कि मेरी मालकिन चली गई, कहाँ है मेरी मालकिन, कितने दिन से मेरे साथ रह रही थी, मैं उसके गले में रहता था, इतने पास रहता था, कितना अच्छा गला था उसका, कितना सुंदर गला था उसका, कोई चैन रोएगी? अरे बोलिए ना, कौन रोएगा? तुम रोओगे, हैं? क्यों? उसने तो तुमसे प्यार नहीं किया, फिर तुम क्यों कर रहे हो उससे? यही बात है, यही कारण है अज्ञानता। इसको क्या कहते हैं? अज्ञानता। जब यही ज्ञान हो जाता है तो फिर सोना, चांदी, हीरा, मोती, राज्य, मकान, दुकान, परिवार, कुछ छोड़ने में फिर कष्ट नहीं होता है। अभी किसी को एक सोने की अंगूठी तुम दे तो दो, देने के बाद तुम्हें 100 बार याद आएगी, मैंने उसको दी है, मैंने उसको दी है। क्यों याद आएगी? क्योंकि मोह है। और मोह नहीं है तो यूं उतार के डाल दिए नीचे, ये मोह है ही नहीं है। दीक्षा लेते समय क्या करते हैं? अरे बोलिए ना, याद आई फिर? नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि जितना सुख उसमें था उससे ज़्यादा सुख शास्त्रों के ज्ञान में मिल गया, उससे ज़्यादा सुख ध्यान में मिल गया, उससे ज़्यादा सुख मुझे छोड़ने में मिल गया। ग्रहण करने से ज़्यादा सुख छोड़ने में है। तुम्हें उसका सुख का महसूस नहीं है, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है उसका कि छोड़ने में कितना सुख है। अच्छा ये बताओ, किसी डब्बे में 10 किलो सोना रखो, 20 किलो सोना रखो, वो टीन का डब्बा, और उसे नदी में डाल दो, क्या होगा? डूबेगा या तैरेगा? डूब जाएगा। अच्छा, अब उसमें टीन के उस डब्बे को सोना सारा उसमें से निकाल लो,
अब नदी में डाल दो। अरे बोलिए ना, तैरता रहेगा। बस ये ही प्रैक्टिकल अपने साथ में है कि जितने हल्के रहोगे तो पार जाओगे, और जितना इन सब चीजों से मोह करोगे तो डूब जाओगे। क्योंकि जितनी वस्तुओं से हम मोह करते हैं उतने हमारे आत्मा के भाव बाहर की तरफ जाते हैं, उन वस्तुओं से जुड़ते हैं, उन पर विचार करते हैं, उनके प्रति क्रोध मान माया लोभ करते हैं, उनके लिए हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह करते हैं, उनके लिए सारी एनर्जी लगाते हैं। और जब वस्तु हमने छोड़ दी, अब जो एनर्जी बची वो हम अपने लिए लगा सकते हैं। घर में सोना रखा है तो मोह करो तो भी रखा है, और नहीं करो तो भी रखा है। जिस मकान में तुम रहते हो, तुम रह रहे हो तो भी मकान है, नहीं रह रहे हो तो भी मकान है। मकान तुम्हें ना भगा रहा है ना बुला रहा है। हम चाहें तो मोह करें, हम चाहें तो ना करें, हमारे मोह करने से उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसको फर्क पड़ेगा? हमें बड़ा फर्क पड़ेगा। अब कपड़े पहने हैं, अब कपड़ों से मोह करो तो भी पहने हैं, ना करो तो भी पहने हैं। लेकिन मोह करने से हम डूबते हैं, हमारे विचार उसमें जाते हैं, हमें अपनी एनर्जी जहाँ लगानी चाहिए वहाँ नहीं लगती है। बहुत से लोग आते बोले माता जी धर्म करने में मन ही नहीं लगता है, इच्छा ही नहीं होती मंदिर जाने की, इच्छा ही नहीं होती पूजा करने की, ध्यान करने बैठते तो मन भटकता है, स्वाध्याय में तो समझ में ही नहीं आता है। जब तुम्हारा दिमाग इतनी सारी चीजों में उलझा रहेगा तो कहाँ से समझ में आएगा? सड़क जितनी बड़ी है उतनी बड़ी है, उसमें गाड़ियाँ उतनी ही तो चल सकती हैं जितनी बड़ी सड़क है, और ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाएंगी तो जाम लग जाएगा। ऐसे ही हमारे मन रूपी सड़क पर विचार रूपी जाम लगा हुआ है, जब हम धर्म अंदर भेजते हैं वो जाते ही नहीं है अंदर, क्योंकि पहले से इतनी सारी वस्तुओं का जाम लगा हुआ है। हमने दुनिया भर का कचरा अपने दिमाग में इकट्ठा कर रखा है, और फिर उस कचरे में से बदबू आती है टेंशन की, क्रोध की, मान माया लोभ की। जब ये कचरा बाहर निकालो तभी तो आप वहाँ पर उस मिट्टी को ठीक करो, उस ज़मीन को ठीक करो, वहाँ गुण के बाग बगीचे लगाओ तो फिर सुख की, शांति की खुशबू आएगी। अरे बोलिए ना, हैं? तो घर में रहना बुरा नहीं है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। एक बार मैं जेल गई, मैं गई ले नहीं गए ये हंसने लगी जैसे मैंने कहा जेल गई, तो मैं गई थी। जाना और जेल ले जाना दोनों में अंतर है। हाँ, एक बार नहीं गई, कई बार गई मैं। तो वहाँ प्रवचन हुए, प्रवचन में बहुत सारे कैदी बैठे हुए थे, प्रवचन के समय रो भी रहे थे, पश्चाताप भी कर रहे थे। सोनीपत की जेल में जब प्रवचन हो चुका तो वहाँ का जो जेलर था वो खड़ा हुआ, फिर उसने कैदियों को बताया सारी बात और समझाई कि माता जी ने क्या कहा है। फिर बोला किसी को कुछ कहना हो तो आप खड़े होकर कह सकते हो। अब उसमें एक कैदी खड़ा हुआ, बोले हमें ऐसे प्रवचन रोज चाहिए। मैंने कहा भाई पहली बात तो मंदिर से तुम्हारी जेल 4 किलोमीटर है, दूसरी बात ये है कि मैं कुछ दिन यहाँ पर हूँ फिर मैं बिहार कर जाऊँगी, इसलिए मैं रोज तो नहीं आ सकती हूँ। हाँ, टीवी की व्यवस्था हो जाए तो शायद उसमें से प्रवचन सुन सकते हो।
दूसरा कैदी खड़ा हुआ, उसने अपने विचार व्यक्त किए, बोले यदि ऐसे प्रवचन सुनने मुझे पहले मिल जाते तो आज मैं जेल में नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है, हैं? अब प्रवचन तो प्रवचन है, अब प्रवचन ना हिंदू है ना मुसलमान है ना सिख है ना ईसाई है। अब जो मैं बात आपको बता रही हूँ इसमें जैन कहाँ आया बताओ, इसमें जैन शब्द कहाँ आया? जो बातें समझाई हैं ये बातें चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई हो सबके लिए फायदेमंद है ना। इसी तरह चाहे नारकी हो उनके लिए भी है, चाहे कोई देवता हो उनके लिए भी है, और चाहे कोई पशु पक्षी हो उनके लिए भी है। ये जो बातें हैं वो चारों गति के जीवों के लिए समान रूप से दवाई का काम करती हैं। एक दिन और बताया था कि भाई जैसे बुखार आता है तो बुखार तो सबका एक सा ही होता ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका ही बुखार एक से ही होता है ना बुखार में, और उसकी दवाई भी एक सी होती है। अच्छा उसका परहेज भी सबका एक सा होता है। जब दवाई एक सी, बीमारी एक सी शरीर की, तो आत्मा की भी बीमारी सबकी एक है और सबकी दवाई भी एक है, जो भगवान महावीर ने बताई है। बस ये सिख ईसाई अपने अपने विचारों को करके कर लिया है, बाकी देखा जाए तो ये जो बातें मैं बताती हूँ इसमें कहीं जाति पाति का भेद नहीं होता है, और जो इनका पालन करेगा वो इस जन्म में भी सुखी रहेगा और जन्म जन्म को सुधार लेगा। गे ही पे ग्रह मैं न रचे ज्यों, जलते भिन्न कमल है। वस्तु प्रयोग करने को मिली है, वस्तु मोह करने को नहीं मिली है, वस्तु उपयोग करने को मिली है, वस्तु लड़ने के लिए नहीं है। लेकिन वस्तु को मोह करके उसे लड़ने का निमित्त बना लेते हैं, उसे क्रोध का निमित्त बना लेते हैं, हैं अच्छी लगे तो मोह का मान का निमित्त बना लेते हैं, ना लगे तो हीन भावना का निमित्त बना लेते हैं, और कर्मों का बंध करते जाते हैं। इसीलिए भोजन किस लिए है? अरे बोलिए ना, पेट भरने के लिए। भोजन किस लिए है? पेट भरने के लिए। लेकिन मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, इतनी अच्छी सब्जी बनाती कोई नहीं बना सकता, मेरे से पूछ के मसाला डाला कर, मेरे से पूछ के काम किया कर। अरे बोलिए ना, अब यही भोजन अभिमान का कारण बन गया, यही भोजन रात्रि में किया जाए तो पाप का कारण बन गया, यही भोजन जिभ्या स्वाद लेकर किया जाए तो पाप का कारण बन गया, और यही भोजन जीवन जीने के लिए किया जाए तो केवल जीवन जीने का निमित्त बन गया। भोजन तो भोजन है, भोजन अपने आप में कुछ नहीं है। अब घी है, घी अच्छा है कि बुरा है? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, अच्छा है। अब कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ता है उसके लिए, और जिसको यदि चिकनाई की कमी है शरीर में उसके लिए अच्छा है। घी ना अच्छा है ना बुरा है, आपकी उपयोगिता पर निर्भर है कि वो कैसा है। इसलिए ना घी की बुराई कर सकते हैं ना बड़ाई कर सकते, घी तो घी है, और घी एक चिकनाई है। चिकनाई जैसे गाड़ी में ग्रीस लगाना पड़ता है, ऐसे शरीर में घी डालना पड़ता कि जो जोड़ है ना ये ग्रीस इनमें चला जाए और अंदर के जोड़ ठीक ठाक रहे, ये इसलिए होता है। और हम इसे स्वाद का कारण बना लेते, अरे थोड़ा और डालना खिचड़ी में घी, स्वाद ही नहीं आ रहा है, अरे थोड़ा मीठा और डालना, ये इसलिए नहीं है, ये तो शरीर की जो शरीर के जो तत्व हैं उसकी पूर्ति के लिए है। समय हो गया, मैं तीन चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। वस्तुओं की टोह का, गाने में आरोह अवरोह का, और छोड़ने में मोह का। अब छोड़ तो नहीं सकते, तो पर्वत पर झरने का, रात में परने का, एमपी में परने का मतलब सोना होता है, रात में परने का,
हाँ, और मोह कम करने का, शांति धारा की झारी का, रागों में दरबारी का और मोह कम करने में अब तैयारी का। शरीर में मुख का, हवा की रुख का और मोह से को छोड़ने के बाद मिलने वाले सुख का। कहाँ से आए? झुमरी तलैया। अच्छा, घर में बच्चों की मैया का, दूध देने के लिए गैया का और आने वालों में झुमरी तलैया का। सुनने में ईयर का, जंगल में डियर का और आने वालों में ग्वालियर का। पक्षी में पर का, शरीर में जर का और आने वालों में सोना गिर का। बोलिए चौबीसों भगवान की। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत। स्वस्ति भूषण माता जी की समस्त आर्यका संघ की एक नारी शक्ति और जिनेंद्र भक्ति का साक्षात उदाहरण जहाजपुर स्वस्ति धाम में देखने को मिलता है। भगवान मुंशव्रतनाथ की हजारों वर्ष प्राचीन चैतन्य प्रतिमा, प्रतिमा की शक्ति ऊर्जा और माताजी की अनंत भक्ति, श्रुत के प्रति उनकी आराधना, जिन्होंने इतने विधानों का रचने किया है, एक अद्भुत क्षेत्र को बना करके और भगवान मुंशव्रत का साक्षात अतिशय यहाँ देखने को मिलता है। और यह क्षेत्र दिन दुनी रात चौगनी प्रगति करता हुआ अहिंसामयी धर्म को भारतवर्ष में स्थापित करे, इसी भावना के साथ परम पूज्य समस्त आर्यका माताजी के चरणों में मैं बारंबार बंदामी करता हुआ क्षेत्र की प्रगति की कामना करता हूँ। बोलिए मुंशव्रतनाथ भगवान की जय। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भाव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्योछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।